गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम संदीप मील, योर मैथ टीचर फ्रॉम सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरासल। टुडे विल बी स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू फाइंड द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक टर्म मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म मीन्स क्या होता है, कि जिन टर्म्स में वेरिएबल पार्ट वो सेम होता है, कि एल्फाबेट वगैरह होते हैं ना, ए बी सी डी, ये क्या होगी, सेम होगी, उनकी पावर भी सेम है, उसको अपन लाइक टर्म बोलते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि फाइंड द लाइक टर्म, की कौन कौन सी लाइक टर्म है वो फाइंड करो। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट है 3ab + 3b। मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, देखो कि 3ab + 3b। उसके बाद में सेकेंड टर्म हमें दी हुई है 17a - 6ab, उसके बाद 6ab + 4, और उसके बाद हमें दिया हुआ है 2ab - 2a + 3, और 2a² + 3ab + a। के इनमें से लाइक टर्म कौन कौन सी है, देखो इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, इसमें से 3ab आ रहे हैं, तो एक तो 3ab है, और देखो 3ab इसमें भी है, तो माइनस का 6ab। वेरिएबल पार्ट आपको चेक करना है, ये देखो 2ab, उसके बाद में आगे आ जाएगा, इसमें भी 3ab, तो ये सभी क्या है, लाइक टर्म है। ऐसे ही बी है, और बी किसी में आ रहा है क्या, बी तो नहीं आ रहा, देखो ए आ रहा है क्या, ए आ रहा है इसमें, कि 17a है, इसमें माइनस का 2a है, और इसमें a², ये माइनस का 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ab है ना, तो ये a हो जाएगा। ये क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म में इतना ही चेक करना है कि जो वेरिएबल पार्ट है, जो अल्फाबेट है, उसकी पावर, यहाँ देखो सभी की पावर 1-1 है, इसमें भी 1-1, इसमें भी 1-1, इसमें भी 1-1, वो सेम होनी चाहिए। ऐसे आपको सेकंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग, कि ऐसे सेकंड में लाइक टर्म फाइंड करनी है, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे के वैसे होगा कि 10PQ, तो चेक कर लो और PQ कौन से में आ रहा है, देखो और PQ किस में आ रहा है, कि 78PQ आ रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएगी, सेकेंड का देखो, जैसे फर्स्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, कि 10PQ दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन में चेक करो कि और PQ किस किस में आ रहा है, और PQ देखो किस में आ रहे हैं, कि 78PQ आ रहा है, उसके बाद में और किसी में नहीं आ रहा। ऐसे दूसरी टर्म हमें दी हुई है 7P, तो आप चेक करो कि P और किस में आ रहा है, तो P देखो अकेला P आना चाहिए, 2405P ये दिया हुआ है। ऐसे नेक्स्ट हो जाएंगे, तो यही चेक करना है कि इसमें P है तो और P कौन सी टर्म में है, ऐसे आपको चेक करना है। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट द अप्रोक्सीमेट बॉक्स इन द फॉलोइंग, कि देखो बॉक्स दिए हुए बुक में, कि मोनोमल्स, बायोनोमल्स, ट्राइनोमल्स। मोनोमल्स मीन्स क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म होती है, बायोनोमल्स जिसमें 2 टर्म होती है, ट्राइनोमल्स जिसमें 3 टर्म होती है। तो फर्स्ट है उसमें देखो कितनी टर्म है, 2a² + b, 2 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, बायोनोमल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट के आगे लिख लो बायोनोमल्स, तो देखो अपन लिख देते हैं कि इनमें से कौन कौन सा बायोनोमल्स है, कि फर्स्ट बॉक्स है उसमें लिखा हुआ मोनोमल्स, सेकंड बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है बायोनोमल्स, और थर्ड बॉक्स में लिखा हुआ है ट्राइनोमल्स। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बायोनोमल्स है, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट, तो थर्ड में सेकंड क्वेश्चन है वो मोनोमल्स है, तो सेकंड इसमें आ जाएगा मोनोमल्स के आगे। थर्ड में देखो 3 टर्म है, तो ट्राइनोमल्स हो जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा। उसके बाद में फोर्थ है, उसमें भी 2 टर्म है, 2 टर्म होगा तो इसमें आएगा बायोनोमल्स में। फिफ्थ में कितनी टर्म है, 1 ही टर्म है, तो इसमें आ जाएगा फिफ्थ। सिक्स में देखो 3 टर्म है, तो 6 इसमें आ जाएगा। सेवन में देखो कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो 7 भी इसमें आ जाएगा। एट में कितनी टर्म है, 8 में भी 3 है, तो 8 भी ट्राइनोमल्स में आ जाएगा। 9 में, 9 में भी 3 है, तो 9 भी ट्राइनोमल्स में आएगा। 10 में देखो 2 टर्म है, तो 10 इसमें आ जाएगा बायोनोमल्स में। 11 में कितनी टर्म है, 11 में भी 3 टर्म है, तो 11 भी इसमें आ जाएगा। 12 में देखो 1 ही टर्म है, तो 12 मोनोमल्स में आ जाएगा। 13 में 2 टर्म है, तो 13 इसमें आ जाएगा। उसके बाद में 14 में भी 2 टर्म है, तो 14 भी इसमें आ जाएगा। ऐसे आपको लिखना है, मोनोमल्स वाले बॉक्स के सामने मोनोमल्स, बायोनोमल्स के बॉक्स के सामने बायोनोमल्स, और ट्राइनोमल्स के सामने ट्राइनोमल्स। याद इतना ही रखना है कि मोनोमल्स में सिंगल टर्म होगी, बायोनोमल्स में डबल टर्म होगी, ट्राइनोमल्स में 3 टर्म होगी।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि एडिशन करना है। एडिशन देखो कैसे करना है कि एडिशन उसी का ही करना है लाइक टर्म का, लाइक टर्म के साथ ही एडिशन करना है कि लाइक टर्म को एक साथ करना है फिर ऐड करना है। ए है तो दूसरे में भी यही होना चाहिए। देखो अपन करते हैं क्वेश्चन, ये समझ में आ जाएगा। ये एक्सरसाइज वैसे इजी है, करते हैं। देखो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3p² q² - 4pq + 5। फिर देखो डॉट दिया है, माइनस का 10p² q² एंड 15 + 9pq + 17p² q² ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या होगा। पहले अपन क्या करेंगे, जहाँ भी डॉट है उसकी जगह प्लस का साइन लगेगा, फर्स्ट स्टेप यही है। तो ये हो जाएगा 3p² q² - 4pq + 5, इसकी जगह प्लस आ जाएगा। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। या पूरा लिख देता हूँ, माइनस 10p² q² + 15 + 9pq + 17p² q². अब देखो पहले चेक करो p² q² तो ये है 3p² q² और p² q² देखो ये आ रहे हैं, तो माइनस का 10p² q², इस प्लस को माइनस से करेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा। एक देखो इसमें आ रहा है प्लस का 7p² q², माइनस देखो ये 4pq और pq किसमें, इसमें रहा प्लस का 9pq, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 15 है। अब चेक कर लो कि इसमें कितनी टर्म हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी 7 ही थी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ही ऊपर थी, तब सही है हमारा क्वेश्चन। देखो ऐड कर दो, ये 3 + का और ये 7 + का क्या हो गया 10, तो 10p² q², ये माइनस का 10p² q² माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, ये देखो प्लस का, तो इसमें से ये घट जाएगा तो प्लस का 5pq आ जाएगा। ये दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का 20 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, आंसर क्या आ जाएगा 5pq + 20 आंसर आ जाएगा। ओके समझ में आया क्या, ऐसे आपको करना है। किया कुछ नहीं है, देखो क्या किया है कि p² q² तो और चेक कर लो कौन सी टर्म में p² q² उसको एक साथ राइट कर लो, बस ये तीनों एक जैसी तो एक साथ राइट कर लिया। अब देखो इसमें 4pq है तो 4pq को 4pq के साथ राइट कर लो, जो नॉन वेरिएबल है उसको एक साथ राइट कर लो। अब ऐड करना है प्लस का उसको एक साथ, माइनस का उसको एक साथ, तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। थैंक यू।